टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में लिंकिंग वर्ब्स हमारा टॉपिक है। देखिए, ये वर्ब का ही एक टॉपिक है। वर्ब तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उन्हीं का एक टॉपिक है लिंकिंग वर्ब। जैसे कि लिंकिंग वर्ब होते कौन कौन से हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर और भी होते हैं, लेकिन ये सभी बेसिक हैं, तो याद रखिएगा। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लिंकिंग वर्ब होता क्या है, इसका रूल्स क्या है और कहाँ पर इनका यूज़ है, काम क्या करते हैं, एक एक चीज़, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। टोटल आज हम लोग 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ लिंकिंग वर्ब। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, लिंक मतलब कनेक्शन, लिंक समझते हो ना। तो ये जो इस तरह के वर्ब होते हैं लिंकिंग वर्ब, उनका काम होता है कनेक्शन बनाना सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बीच में, सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बीच में। अब कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा दोनों चीज़ हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। तो ये आपको कनेक्शन बताता है किनके किनके बीच में, सब्जेक्ट टू ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या बताता है, कनेक्शन बताता है, समझ रहे हो। तो लिंकिंग वर्ब का डेफिनेशन बेसिक्स है, जैसे कि देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, माय यंगर सिस्टर इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या है, इज़ क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। अब ये इसकी जो यंगर सिस्टर है और स्टूडेंट के बीच में इज़ क्या कर रहा है, कनेक्शन बता रहा है। और स्टूडेंट जो है क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एडजेक्टिव हो सकता है एंड नाउन हो सकता है, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये नाउन, स्टूडेंट नाउन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझ में आया कि माई यंगर सिस्टर इज़ क्या हो गया, इज़ लिंकिंग वर्ब हो गया, स्टूडेंट जो हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया, और इधर सब्जेक्ट, तो इधर सब्जेक्ट, इधर कॉम्प्लीमेंट, अब बीच में ये रिलेशन बता रहा है, ओके। और भी एग्जाम्पल है, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, तो आई है सब्जेक्ट, एम है लिंकिंग वर्ब, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट क्या है, ये एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये देखो यहाँ पर भी लिंक बता रहा है कौन, एम, एम क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब। और भी एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर, ये भी देखो, ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, एंड पुलिसमैन क्या है, अगेन नाउन। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन दो सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में जो लिंक बताता है उसी को लिंकिंग वर्ब कहते हैं, सो सिंपल। हेयर इज, एम, इज आर यूज्ड एज लिंकिंग वर्ब। अब कुछ रूल्स हैं इसके, पॉइंट वन, टोटल दो ही रूल्स पढ़ने हैं आपको। उससे पहले थोड़ा सा और क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, एग्जांपल्स इसको कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि देखो, इसमें रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे से किया गया है, ठीक है, गूगल से मैंने इसको डाउनलोड किया है। लिंकिंग वर्ब है, देख लो, अब स्ट्रक्चर देखो, लिंकिंग वर्ब कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट को रीआइडेंटिफाई करना, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच का लिंक बताना, उसी को कहते हैं। तो इस सब्जेक्ट के बारे में रीआइडेंटिफाई करता है लिंकिंग वर्ब, और कुछ नहीं। जैसे कि देखो, ही इज़ अ मॉन्स्टर, तो ही सब्जेक्ट हो गया, इज़ क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, और ये रीआइडेंटिफाई कर रहा है किसको, ही को, क्या कह रहा है, ही इज़ अ मॉन्स्टर, तो रीआइडेंटिफाई कर दिया, और मॉन्स्टर क्या हो गया, नाउन हो गया, और इसी को हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो हो गया ना, इसका डिफिनेशन क्या पढ़ा था लिंकिंग वर्ब का, वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में लिंक बताए उसी को हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। एक और एग्जांपल देखो, लिंकिंग वर्ब डिस्क्राइब भी करता है सब्जेक्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से, ही लुक्स स्टनिंग, तो डिस्क्राइब कर रहा है, देखो ही को स्टनिंग बोल रहा है, मतलब डिस्क्राइब कर रहा है, सब्जेक्ट हो गया ही, लिंकिंग हो गया लुक्स, एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट जो है ना तुम्हारा दोनों हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। स्टनिंग क्या है, स्टनिंग एक तरीके का एडजेक्टिव है। तो ध्यान रखना, जब लिंकिंग वर्ब का दो तरीके से यूज़ होता है, ठीक है, एक तो रीआइडेंटिफाई करने के लिए, सब्जेक्ट को रीआइडेंटिफाई करने के लिए, एंड दूसरा तरीके से यूज होता है लिंकिंग वर्ब का ऐसे, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो दो यूसेज हैं, पहला एंड दूसरा। डिस्क्राइब में क्या करेंगे,
विशेषता बताएंगे, विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और विशेषण इज एडजेक्टिव। तो एक रीआइडेंटिफाई और डिस्क्राइब करने, दोनों अलग चीज़ें। तो इसका दो दो यूज समझ में आ गया। अब इसके दोनों रूल्स को पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखो, पहला रूल्स है पॉइंट नंबर वन, इज एम आर द लिंकिंग वर्ब फॉर प्रेजेंट टेंस ओनली। और ऐसे भी पता है कि इज जो होता है प्रेजेंट टेंस होता है, एम होता है वो भी प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और आर, तो ये सब तो बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। ही इज़ अ गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय, दे आर गुड बॉय, तो ये सभी क्या है, प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है मोस्टली, इज एम आर का। और आपको ये भी पता होगा कि इज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, एंड आर हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, और आर का यूज प्लूरल। इज एंड आर का यूज समझते हो ना, इज हमेशा सिंगुलर के साथ, आर हमेशा प्लूरल के साथ, और एम का यूज कहाँ पे होता है, हमेशा आई, आई के साथ एम लगता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कहाँ पे किसका यूज़ होता है। अब आगे देखो, जैसे कि एग्जांपल ये है, ही इज़ अ गुड डॉक्टर, तो यहाँ पर ए डॉक्टर किसी एक की बात करेगी, यानी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इसका यूज़ होता है। लेकिन दे मतलब बहुत सारे लोग, और दे के साथ आर का यूज़ किया क्योंकि दे प्लूरल था, इसीलिए प्लूरल लिंकिंग वर्ब यूज़ किया, ठीक है। तो इज जो होता है सिंगुलर लिंकिंग वर्ब है, एंड आर जो है प्लूरल लिंकिंग वर्ब है। जैसे कि यू आर ऑनेस्ट, यू के साथ हमेशा आर यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी पता होगा। आई के साथ एम यूज़ किया जाता है, ठीक है, आई के साथ ही एम का यूज़ है, बाकी नहीं। अब रूल नंबर सेकेंड देखते हैं, वाज वर आर द लिंकिंग वर्ब ऑफ पास्ट टेंस। वैसे भी पता होगा आपको, जनरल चीज़ है, वाज वर ज़्यादातर पास्ट टेंस में ही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर क्या, मोस्टली 100% पास्ट टेंस का ही ये यूज़ होता है यहाँ पर। वाज जो है अगेन सिंगुलर के लिए, वर जो है प्लूरल के लिए, जैसे इज़ था सिंगुलर के लिए, ठीक है, आर था प्लूरल के लिए, वैसे ही वाज है सिंगुलर के लिए, वर है प्लूरल के लिए, वेरी वेरी इजी। तो कुछ एग्जांपल हैं, सी वाज अब्सेंट, सिंगुलर के साथ सिंगुलर का यूज़ किया, सिंगुलर नाउन था, सॉरी सी प्रोनाउन है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर लिंकिंग वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर लिंकिंग वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्लूरल लिंकिंग वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्लूरल लिंकिंग वर्ब, समझ रहे हो, यू वर थर्स्टी, तो ये हो गया। और इन सभी के बीच में ये भी तुम देख रहे होगे कि सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बीच में लिंक बनाने वाला लिंकिंग वर्ब प्रेजेंट है। जैसे कि ये देखो लो तुम, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है, और ये रहा लिंकिंग वर्ब, सेम सब में वैसे ही है। तो यही है लिंकिंग वर्ब का मोस्टली काम। अब चलो क्वेश्चन बनाओ और देखो कितना सीखे, कितना बना सकते हो, ठीक है, इतना में ही से बनाना है तुमको, इज एम आर वाज वेयर, इससे फालतू लिंकिंग वर्ब आपको पढ़ना नहीं है, इज एम आर आज वाज वेयर में आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक खुद बनाने की कोशिश करो, उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। चलो जैसे कि देखो, पहला क्वेश्चन है द गेस्ट, यहाँ पर द गेस्ट है, देखो एस लगा हुआ है गेस्ट में, मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है एम तो यूज होगा नहीं, एम हमेशा आई के साथ यूज होता है, तो एम तो पहले गया, उसके बाद इज नहीं यूज होगा क्योंकि यहाँ पर गेस्ट नहीं है, गेस्ट है, एस लगा हुआ है, मतलब प्लूरल के साथ इज का यूज नहीं होता, ये गया, ठीक है। वाज भी नहीं यूज होगा, वाज भी सिंगुलर के साथ यूज होता है, ठीक है, और पास्ट टेंस में यूज होता है, तो ये सिंगुलर तो है नहीं, ये प्लूरल है, इसके साथ हमेशा प्लूरल लिंकिंग वर्ब ही होगा, चाहे वो पास्ट में है या प्रेजेंट में है। तो यहाँ पर प्लूरल लिंकिंग वर्ब कौन कौन सा है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, प्लूरल मात्र एक ही को है, आर, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आंसर मिलाना चाहो तो मिला लो, पहला का डी होगा, देख लेना पहला का डी, ओके। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन में है आई, आई दिया गया है,
आई नॉट हॉनेस्ट। तो यहाँ पर कौन सा, चार ऑप्शन दिएंगे, चार ऑप्शन में सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है, कौन यहाँ पर आएगा, एम आएगा कि आर आएगा कि इज आएगा कि वर आएगा। ठीक है, अब तुमको इतना पता है आई जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, तो वर तो पहले गया, आर दोनों गया, ये दोनों दोनों प्लूरल थे। ठीक है, ये प्रेजेंट वाला प्लूरल, ये पास्ट वाला प्लूरल, तो प्लूरल तो बनेगा नहीं क्योंकि आई के साथ हमेशा सिंगुलर आता है और आई के साथ एम आता है, ये भी तुमको मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले और अभी भी इस क्वेश्चन में भी मैंने सिखाया था। तो आई के साथ एम आता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इज आई कभी लिखे हो, इज आई नहीं एम आई लिखते हो या आई एम लिखते हो, तो आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये यहाँ पर जो सब्जेक्ट है तुम्हारा प्लूरल आ गया, तो ऑप्शन में जो प्लूरल है वही होगा, वाज सिंगुलर है, एम सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, प्लूरल एक ही को बचा बर, तो ये सही हो जाएगा। अच्छा, ये भी प्लूरल है तुम्हारा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो तुम्हारा लिंकिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। देख लो, इज सिंगुलर है, एम सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, बचा कौन, सी, तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, द डॉग्स, डॉग्स है, डी ओ जी और एस लग गया, मतलब ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल लिंकिंग वर्ब आएगा, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, बचा ये, तो ये आंसर हो जाएगा डी। चलो, आई, आई के साथ हमेशा एम यूज करते हैं, आर, ये सब तो बिल्कुल गलत है ना, आई सिंगुलर होता है, आर कैसे हो जाएगा, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, और इस तो यूज़ करेंगे नहीं, वैसे भी आई के साथ एम यूज़ करते हैं और ये दोनों गलत है, वैसे भी ये प्लूरल कहाँ से आ जाएगा। अच्छा, डैट, डैट किस किसके साथ यूज़ होता है, डैट एक प्रोनाउन है, सुनते हो, तो डैट आर, डैट वाज, डैट एम तो यूज़ नहीं होगा, एम का यूज़ हमेशा आई के साथ होता है, तो एम तो बिल्कुल गलत है। और मैं आपको बता दूं, डैट सिंगुलर होता है, डैट सिंगुलर होता है, डैट का प्लूरल क्या होता है, बोल सकते हैं दोस, तो डैट सिंगुलर है तो हमेशा इसके साथ सिंगुलर आएगा। एम तो पहले गत चल गया था क्योंकि ये तो आई वाला है, चूँकि डैट सिंगुलर है तो इसका लिंकिंग वर्ब कैसा होगा, उसका वो भी तो सिंगुलर होना चाहिए, तो डैट सिंगुलर तो लिंकिंग वर्ब भी सिंगुलर, तो ये प्लूरल वाला कैसे हो सकता है, ये भी प्लूरल, बचा ये, ऑप्शन नंबर बी सही। आई मीन, अब ट्री नहीं है, ट्रीज है, ट्रीज प्लूरल है, ये प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा, और एम तो बिल्कुल नहीं आएगा, एम हमेशा आई के साथ आता है, तो ये गलत हो जाएगा, एम तो बिल्कुल गलत है। अब चूंकि ये प्लूरल है तो इसका ऑप्शन देखो, प्लूरल कौन है, ये दोनों सिंगुलर है, प्लूरल एक ही गो है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। सोहन, सोहन देखो, एक सोहन है बच्चा, तो ये देखने में समझ में आ रहा होगा कि ये सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना तुम्हारा, तो लिंकिंग वर्ब भी तुम्हारा सिंगुलर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, जो तुम्हारा प्लूरल है उसको हटाओ, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आएगा, तो प्लूरल वाला गया, ये भी प्लूरल गया, और एम तो आई के साथ ही हो जाता है, ये गया, बचा ये, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस ऑल आर, तो कर लोगे यहाँ तक। अब ये देखो, फ्लावर्स है, तो प्लूरल सिंगुलर का ध्यान रखोगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सभी में देखो ना, सभी में सेम ही ऑप्शन है, चारों सेम ही ऑप्शन सब में दिया गया है। चलो कुछ पीछे के क्वेश्चन कर लेते, बाकी बीच का क्वेश्चन होमवर्क तुम्हारा। चलो यहाँ से 25 से लेके 30 तक हम कर देते हैं। द बॉयज, अगेन ये भी वेरी वेरी इजी, बॉय के में एस लगा दिया मतलब प्लूरल हो गया, एंड जब प्लूरल हो जाएगा तो लिंकिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो ये सिंगुलर कैसे है, यहाँ पे सिंगुलर वाला गलत हो जाएगा, ये भी सिंगुलर वाला गलत हो जाएगा। अब दो ऑप्शन तुम्हारे पास बचते हैं, क्योंकि ये प्लूरल है तो आर लगाएं या नन ऑफ दिस लगाएं, तो आर लगाएंगे, ठीक है, नन ऑफ दिस क्यों लगाएंगे जब आर दिया यू आई, तो ठीक है। 25 का ए, 26 का योर शर्ट, योर शर्ट इज डर्टी या आर डर्टी, एम देखो, एम तो सबसे पहले गलत है, एम आई के साथ आता है ना, आर होगा या वाज होगा, तो यहाँ पर शर्ट है, अगर शर्ट रहता, शर्ट और इसमें एस लगा रहता, एस, तो आर बनाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर शर्ट में एस नहीं लगा है, मतलब सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, क्योंकि आर प्लूरल था,
सिंगुलर एक ही को है वाज। 26 का सी देख लो, कंफ्यूजन है तो 26 का सी। 27 का द ट्रीज, अभी देखो ट्री में एस लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है ट्रीज प्लूरल है, लिंकिंग वह भी प्लूरल होना चाहिए। सिंगुलर खत्म, सिंगुलर खत्म, प्लूरल एक ही को है, ऑप्शन नंबर बी। 27 यू, यू के साथ हमेशा प्लूरल आता है, ध्यान रखना यू के साथ हमेशा प्लूरल आता है, तो सिंगुलर अगर दिया है तो हटा उसको पहले, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये एम है, एम तो आई के साथ यूज होता है, तो इसका ऑप्शन दिया ही नहीं है, मतलब नन ऑफ दिस, दिस ऑल आर रॉन्ग। यहाँ पर आर या वर रहता तो सही हो जाता क्योंकि यू के साथ प्लूरल आता है, और ऑप्शन में सब सिंगुलर दिया हुआ है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और ये तो आई के साथ यूज होने वाला सिंगुलर है, और डी में नन ऑफ दिस, तो इसका सही आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आर रहता तो आर आंसर हो जाता, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है, कई बार यही होता है ऑप्शन में आंसर ही नहीं देता, तो नन ऑफ दिस उस समय मारना होगा तुमको। अच्छा ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर लिंगिंग वर्ब होगा, अगेन प्लूरल वाला गलत है, और एम तो आई के साथ यूज होता है, ये गलत है, ही इज हो जाएगा, ही इज माई फ्रेंड, ऐसे भी बोलते ही होंगे। सोहन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, ये गलत, और एम यूज करेंगे नहीं, लास्ट में इज बच जाता है, ठीक है। तो 30 का बी, 30 का बी ऐसे करके बना लोगे, बना लोगे। कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं किए क्योंकि बहुत इजी है, सब में तो एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, ठीक है। ये एक तरीके का प्रैक्टिस है, वर्ब देखो, वर्ब चैप्टर बड़ा है, ये छोटा सा लिंकिंग वर्ब वाला चैप्टर था जो लिंक कर रहा था चीज़ों को, ठीक है। मैंने तुमको क्या क्या पढ़ाया आज, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के दो यूज भी मैंने पढ़ाए, एक तो री आइडेंटिफाई करने के लिए, एक तो डिस्क्राइब करने के लिए। डिस्क्राइब वाले केस में हम लोग एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, री आइडेंटिफाई वाले केस में नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ओके ऐसे ही होता है, बस ख़त्म। कुछ रूल्स पढ़ाए इसके, देखो इज और आर का बताया, एम कहाँ पे यूज़ होता है वो बताया, वाज वेयर के बीच में डिफरेंस बताया, सब कुछ बताया, ख़त्म। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।